देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। भारत बायोटेक ने हेल्थ वर्कर्स से की अपील, 15 से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों को दी जाए केवल कोवैक्सीन। पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द, इलेक्शन कमीशन ने की कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतदान कराने की अपील। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बिगड़े मौसम के मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में चली शीतलहर। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सियासत जारी, अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ट्वीट कर दी विवाद में हवा। दिल्ली में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत, 17,335 नए केस मिले। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामनगरी में टीम सक्रिय, कार्यालय की तलाश। मनीष हत्याकांड मामले में सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, 6 पूर्व पुलिसकर्मियों को बनाया आरोपी। ₹60 लाख के जेवर लेकर सराफा व्यापारी का कर्मचारी गायब, तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर, कन्नौज, आगरा के बाद अब वाराणसी की बारी, गुटखा कारोबारी के घर सीजीएसटी ने की छापेमारी। फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पुलिसकर्मियों ने काबू पाकर बचाई सैकड़ों मजदूरों की जान। अमेरिकी हेल्थ वर्क एक्सपर्ट्स का दावा, अगले महीने तक भारत में पीक पर होंगे ओमिक्रॉन के मामले। श्रीलंका के पास नहीं पेट्रोल डीजल खरीदने के भी पैसे, भारत से मांगे $50 करोड़। अफगानिस्तान में जारी है मानवीय संकट, तालिबान के शीर्ष अधिकारी ने की दुनिया से मदद की अपील। ₹12 से ₹15 साल के बच्चों को मिलेगा बूस्टर डोज, एफडीए ने दी मंजूरी, बाइडेन ने कहा। पाकिस्तान का दावा, डूरंड लाइन पर 94% तक लग चुका है बाढ़। ढाई साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम में शानदार वापसी, उस्मान ख्वाजा ने दोनों पारियों में जड़ दिया शतक। आईपीएल 2022 के आयोजन को लेकर कोरोना ने बढ़ाई चिंता, बीसीसीआई प्लान बी पर कर रहा है विचार। वेस्टइंडीज क्रिकेटर में राम नरेश सरवन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, चयनकर्ता की भूमिका में आएंगे नजर। ऑस्ट्रेलिया को लग सकता है बड़ा झटका, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट से स्टार तेज गेंदबाज जोशजिल वुड बाहर। शेन वॉर्न का सनसनीखेज दावा, पाकिस्तानी क्रिकेटर ने की थी रिश्वत की पेशकश, कहा था हमारे घर जल्द दिए जाए। कोरोना ने खड़ी की फिल्म निर्माताओं के लिए परेशानी, रद्द हुई फिल्म फोन बूथ के सॉन्ग की शूटिंग। शोएब के साथ अजमेर शरीफ दुआ मांगने पहुंची दीपिका कक्कड़, हुई ट्रोल, लोग बोले कभी शौहर कभी मंदिर भी ले जाओ। मलाइका अरोड़ा की तबीयत खराब, इंडियाज बेस्ट डांसर 2 के फिनाले वीकेंड से हुई बाहर।
बिग बॉस 15 से उमर रियाज हुए बाहर। आसिम रियाज और हिमांशी खुराना के ट्वीट कर दिया इशारा। तापसी पन्नू की लूप लपेटा की रिलीज डेट हुई आउट, नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।